नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है एक एक करके जानेंगे। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 4 से 5 आतंकी घिरे और 1-2 आतंकी ढेर। जी हाँ, सेना का जबरदस्त तांडव। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत की दरियादिली अनजाने में सीमा पार कर गया था पाकिस्तानी बच्चा, बीएसएफ ने चॉकलेट देकर लिया बड़ा एक्शन। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल घाटे का सौदा। भारत से कपास आयात की यूटर्न पर पाकिस्तान में ही भयंकर नाराजगी, इमरान खान खिलाफ व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है, यह भी आपको बताएंगे। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट, पश्चिम बंगाल में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, रैली में कार्यकर्ता की बिगड़ी तबीयत तो अपने डॉक्टरों को भेजा तत्काल। जी हां, पीएम मोदी ने दिल जीत लिया पश्चिम बंगाल, वीडियो वायरल और ममता बनर्जी को भी दी चुनौती। इस बीच बंगाल में जय जय श्री राम के नारों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रोड शो, ममता और टीएमसी के जय गुंडों को खुली चुनौती दी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। COVID-19 हुआ बेकाबू, पिछले 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड, 90,000 केसेस निकल के आए। जी हैं, ये भी आपको बताएंगे। इस बीच सब कुछ खबरें के करके विस्तार से बताएंगे। महाराष्ट्र से भी कुछ एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा और 5 राज्यों में बनेगी भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल जम्मू कश्मीर में सेना का जबरदस्त तांडव। आपको बता दें 2 आतंकी ढेर, 4 से 5 आतंकी के घिरे होने की खबर निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के हेरापोरा इलाके से सीढ़ी जंगल क्षेत्र में 4 चोर की गली में मुठभेड़ की सुरक्षा शुरू हुई है। इस बीच आपको बता दें कि फिलहाल जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में 4 से 5 आतंकियों के भी छिपे होने की खबर निकल के आ रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में जारी सुरक्षा बलों को भी सूचना मिली थी। आपको बता दें कि इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि इलाके में मौजूद आतंकी मौजूद हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि 2 आतंकी ढेर बताए जा रहे हैं और 3 से 4 आतंकियों को एक तरीके से सर्च ऑपरेशन और आतंकी घिरे हुए हैं, बस उनका भी एनकाउंटर होने वाला है। सेना का ताबड़तोड़ एक्शन, हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें छत्तीसगढ़ से दुखद खबर, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में डीआरबी और सीआरपीएफ के 3 जवान सहित 1 नक्सली ढेर। जी हां, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के तर्रेम में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में डीआरबी और सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं मुठभेड़ में 3 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में 1 नक्सली भी मारा गया है। इससे पहले बीते महीने मार्च में नक्सलियों ने जवानों से भरी बस को आईईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया था, इसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। जवानों की बस पर यह हमला नारायणपुर में हुआ था। जानकारी के मुताबिक डीआरजी के 1 जवान ऑपरेशन से वापस लौट रहे थे, तभी उनके वाहन को नक्सलियों ने निशाना बनाया था। हमले की पुष्टि करने वाले एसपी मोहित गर्ग ने बताया है कि घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवानों की बस पर हमला किया था। 2 फरवरी 2021 को लोकसभा में नक्सली घटनाओं को लेकर सरकार से जानकारी मांगी गई थी। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसका जवाब दिया है। उसके मुताबिक देश के नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली घटनाओं में कमी आ रही है। गृह मंत्रालय के मुताबिक 2018 में देश भर में 833 नक्सली घटनाएं भी हुई हैं। तो लगातार दोस्तों दुखद खबर, लेकिन सेना का ताबड़तोड़ एक्शन। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं, भारत की दरियादिली अनजाने में सीमा पार कर गया था पाकिस्तानी बच्चा, बीएसएफ ने चॉकलेट देकर वतन वापस भेजा। सीमा पर तैनात भारतीय जवानों ने एक बार फिर से दरियादिली दिखाई है। बाड़मेर के 8 साल के एक पाकिस्तानी बच्चे अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके भारत में प्रवेश कर लिए थे। बॉर्डर की निगरानी कर रहे बीएसएफ के जवानों ने तुरंत उसे पाकिस्तान को वापस कर दिया। बीएसएफ गुजरात फ्रंटियर में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एमएल गर्ग ने इसकी पुष्टि की है। गर्ग ने कहा है कि शुक्रवार शाम लगभग 5:30 बजे एक 8 वर्षीय बच्चा अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर बीएसएफ के 83वीं बटालियन के बीओपी सोमरन के बॉर्डर पिलर नंबर 888-2S के पास भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था। उन्होंने कहा है कि जब बीएसएफ के जवानों ने उन्हें पकड़ा तो वो डर गया था और रोने भी लगा था। बीएसएफ जवानों ने उसे शांत कराने की कोशिश की और उसे खाने के लिए कुछ चॉकलेट भी दिए थे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं, तो दोस्तों घाटे का सौदा। जी हां, पाकिस्तान में अंदरूनी कलह मची, भारत से कपास आयात की यूटर्न पर पाकिस्तान में नाराजगी। दरअसल पाकिस्तान सरकार द्वारा भारतीय कपास के आयात की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर पाकिस्तानी कपड़ा क्षेत्र हताश है।
वो सरकार से इस बात से भी नाराज है कि उसने भारत से कपास न खरीद कर देश के कपड़ा निर्यात को सबसे बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल उद्योग ने इस यूटर्न का विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में फिलहाल अमेरिका, ब्राज़ील और उज़्बेकिस्तान से कपास आयात हो रहा है, जो न सिर्फ महंगा है बल्कि उसे पाकिस्तान तक पहुंचाने में 2 माह तक लग जाते हैं, जबकि भारत से यही कपास कम दामों पर महज 2 से 3 दिन में पहुंच जाता है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने पाकिस्तान कपड़ा मंच के अध्यक्ष जावेद बिलवानी के हवाले से ये लिखा है, आर्थिक समन्वय समिति के प्रस्ताव को पाकिस्तान कैबिनेट द्वारा खारिज कर देना विदेशी खरीदारों को भी नकारात्मक संदेश देगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। जब रैली में बिगड़ी कार्यकर्ता की तबीयत, नज़र पड़ते ही पीएम मोदी ने भेज दी अपने डॉक्टरों की टीम। जी हाँ, इस बीच बंगाल में भी गरजे पीएम मोदी का, 2 मई को बनेगी डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली सरकार। जी हाँ, आपको बता दें पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को जहां पर बड़ा हमला बोला है, तो वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में एक ऐसी सरकार बनेगी जहाँ सीधा सीधा आपके खाते में केंद्र सरकार की है कि हर एक योजनाओं का लाभ होगा, न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार की भी सारे योजनाओं का लाभ सीधा सीधा आपके अकाउंट में जाएगा। ममता दीदी के गुंडे, ममता दीदी के बिचौलिए अभी सारी योजनाओं को डकार रहे हैं, लेकिन 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल की जनता कान खोल कर सुन ले, किसी भी कीमत पर हर एक तरीके से पश्चिम बंगाल में सीधा सीधा आपके अकाउंट में पैसे जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, एक वाक्य पीएम मोदी की रैली में हुआ, जब एक कार्यकर्ता बीच में ही अचानक कड़ी धूप में तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद पीएम मोदी की नज़र पड़ते ही पीएम मोदी ने सीधा अपनी टीम में लगे डॉक्टरों को, अपनी निगरानी में लगे डॉक्टरों को उनको तत्काल भेजा और कहा कि तत्काल इस लड़के की मदद की जाए, और पीएम मोदी के इस वाक्य को लोग देखकर झूमने लगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल में रोड शो, जय जय श्री राम के लगे नारे। सीएम योगी आदित्यनाथ उलवेरिया में किया रोड शो, जय श्री राम के नारों से गूंजा पूरा उलवेरिया। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला हिला देने वाले सीएम योगी आज रोड शो किए थे। आपको बता दें रोड शो के दौरान जय जय श्री राम के नारे लगे, और खास करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये जय श्री राम का नारा नहीं, ये बदलाव का एक प्रतीक है, ये बदलाव का उद्घोष है। ममता बनर्जी को जिस नारे से दिक्कत हो रही थी, उसी नारे के दम पर आज पश्चिम बंगाल में बदलाव की बयार बह चुकी है। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा है कि न केवल जय श्री राम बल्कि 2 मई के बाद ममता के गुंडों के लिए भी जय श्री राम कहेंगे, और 2 मई के बाद ममता दीदी भी जय श्री राम बोलेंगी। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने वाली सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, और अभी जिस तरीके से जिहादियों का आक्रमण और बीजेपी के नेताओं पर, जिस तरीके से कट्टर मुस्लिम जिहादी बीजेपी के नेताओं पर हमला कर रहे हैं, 2 मई के बाद वो बिल में घुस जाएंगे या फिर दुनिया छोड़ देंगे। तो सीएम योगी कट्टर मोड में तरीके से टीएमसी के गुंडों को 2 मई तक चुनौती दे दी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, भारत में फिर काल बन गया कोरोना, 24 घंटे में करीब 90,000 केसेस, मौत के आंकड़े ने तोड़े 2021 के सभी रिकॉर्ड। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के रोज आने वाले मामलों में शनिवार को एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी गई है। देश में एक दिन के अंदर कोरोना के लगभग 90,000 मामले सामने निकल गए हैं। हालांकि इससे भी ज़्यादा चिंताजनक कोरोना वायरस से हो रही मौत के आंकड़े में बढ़ोतरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में बीते 24 घंटे में कोविड-19 की वजह से 714 लोगों की जान गई है। इस दौरान देश भर में 44,202 लोगों की कोरोना से ठीक हो गए हैं। इस दौरान कोरोना के कुल 1,23,92,000 केसेज निकल के आए हैं। तो दोस्तों, कोविड-19 का भी मसला तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बढ़ गई मुख्तार अंसारी की मुसीबत। जी, आपको बता दें यूपी आने से पहले एक और FIR दर्ज की तरफ बढ़ रहा है मुख्तार अंसारी। अंसारी जिस हॉस्टल और उसकी डॉक्टर के नाम पर एम्बुलेंस लेकर घूम रहा है, उस डॉक्टर पर बाराबंकी में FIR हुई, तो कल तक मुख्तार अंसारी के खौफ का हवाला देते हुए कागजों पर दस्तखत करने का दावा करने वाली डॉक्टर अलका राय अब मुख्तार अंसारी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराना चाहती हैं। मऊ में बीते 1.5 दशक से बीजेपी की राजनीति करने वाली और मौजूदा वक्त में क्षेत्रीय स्तर की पार्टी पदाधिकारी श्याम संजीवनी हॉस्टल की मालकिन डॉक्टर अलका राय पर बाराबंकी में FIR दर्ज हुई, तो उन्होंने भी मुख्तार अंसारी पर धोखाधड़ी करने का तहरीर दे दी है।
गुरुवार को मामला सामने आया तो पहले डॉक्टर अलका राय ने मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस से किसी भी तरीके के रिश्ते को खारिज कर दिया। जब सवाल पूछा गया उनके हॉस्पिटल के नाम पर एम्बुलेंस कैसे रजिस्टर्ड है तो बयान आया कि मुख्तार अंसारी की बात मऊ में कौन नहीं मान सकता है, ये रंगबाजी, ये दगाबाजी दबंगई। ऐसे में उन्होंने भी मुख्तार अंसारी के संदेश पर कुछ कागजों पर दस्तखत किए थे, बाकी उनका मुख्तार अंसारी या फिर एम्बुलेंस से कोई लेना देना नहीं है। हम चलते हैं अगले अपडेट। खुलासा, होटल रूम में वाजे मिलता था चलाता था वसूली का रैकेट, NIA कस्टडी पर आज सुनवाई। तो दोस्तों आपको बता दें कि बड़ा खुलासा NIA ने किया है, कोई पहला मामला ये केसेस नहीं है। वसूली रैकेट चलाता था ये 5-स्टार होटल में बैठकर और शिवसेना सोनिया सेना सरकार को मोटी रकम देता था, ये कोई परमवीर और इसके खुलासे से ये कोई खुलासा नहीं कि 100 करोड़ देने का। इसके पहले भी ये वसूली रैकेट चला रहा है। NIA की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इंटीरियर केस में जैसे जैसे केंद्रीय जाँच एजेंसी NIA की जाँच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। दरअसल इस केस में जांच के दौरान NIA के सामने एक और खुलासा हो गया है। सूत्रों के माने तो गिरफ्तार चल रहे मुंबई पुलिस के निलंबित सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे नरीमन पॉइंट स्थित एक 5-सितारा होटल के कमरे में कथित तौर पर फिरौती के एक रैकेट चला रहा था। इस कमरे को जावेरी बाजार के एक व्यापारी ने 100 दिनों के लिए बुक किया था। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, लगातार खुलासे। और हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें राकेश टिकैत के काफिले पर हमला करने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के अलवर जिले में एक बड़ी खबर सामने आई। कहा जा रहा है कि राजस्थान पुलिस ने किसान नेता राकेश टिकैत को काले झंडे दिखाने और काफिले पर हमले के कथित हमले को लेकर 14 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके ऊपर धारा 307, 338, 143, 46, 47, 47, 49, 323, 141, 546 और 427 में मामला दर्ज कर लिया है। तातारपुर थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी कुलदीप यादव मत्स्य यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल मुख्तार अंसारी, जी हाँ आपको बता दें मुख्तार अंसारी को लेकर कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, पंजाब से बांदा तत्काल शिफ्ट किया जाए। बहुत हो गई हीला हवाली, अब नहीं चलने वाली है कोई भी चाल। जी हाँ आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से बांदा जेल शिफ्ट किए जाने को लेकर कोर्ट ने एक फटकार लगा दी। माना जा रहा है कि बस उसकी कार्रवाई लगभग पूरी हो गई। बांदा जेल से ऑर्डर, पंजाब से बांदा जेल ऑर्डर भी पहुंच गया है। बस 1-2-3 दिन के अंदर पंजाब से बांदा जेल पंजाब पुलिस लेकर आ सकती है। इसमें यूपी पुलिस का कोई रोल नहीं होगा दोस्तों। स्वयं कांग्रेस शासित राज्य की मुख्यमंत्री ने इसकी मुहर लगाई है कि बाकायदा मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को नहीं सौंपा जाएगा, सीधा बांदा जेल में पंजाब पुलिस उनको शिफ्ट करेगी, वरना बीच में गाड़ी कहां पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। इस बात को कांग्रेस सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सीधा सीधा बांदा जेल तक कम से कम पहुँचा ही दिया जाए। तो ये हालात हैं कांग्रेस शासित राज्यों के। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, बूढ़े माँ बाप की सेवा न करने पर बच्चों से वापस ली जा सकती है संपत्ति। सीएम योगी आदित्यनाथ लेने जा रहे हैं बड़ा फैसला। जी हाँ दरअसल आपको बता दें कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ बुजुर्ग माँ बाप की संपत्ति पाने के बावजूद उनकी देखरेख न करने वाली संतानों की अब खैर नहीं होगी। यूपी में जल्द ही एक ऐसा कानून आने वाला है जिसके जरिए अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता तो उन्हें दी गई संपत्ति वापस ली जा सकती है। यूपी स्टेट लॉ UPSLC ने शुक्रवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रस्ताव सौंप दिया है। UPSLC ने अपने प्रस्ताव में माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण कानून 2007 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि अगर कोई बुजुर्ग की बात करें तो बुजुर्ग की अगर कोई माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नहीं करता तो संशोधन का प्रस्ताव होगा, और बुजुर्ग शिकायत करता है तो माँ बाप की ओर से अपने बच्चे या वारिस को दी गई संपत्ति की रजिस्ट्री या दान पत्र को भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं और इससे जाहिर सी बात है कि अब उन लोगों पर शिकंजा कसेगा, इसमें दो राय नहीं है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें यूपी पंचायत चुनाव, जी हाँ यूपी पंचायत चुनाव के बीच पहले चरण के 18 जिलों में नामांकन शुरू। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें यूपी पंचायत चुनाव को देखते हुए नामांकन लगभग शुरू हो गया है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर 18 जिलों में नामांकन शुरू कर दिया गया है।
आपको बता दें कि ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इस दौरान राज्य के 18 जिलों के सभी विकासखंड मुख्यालयों पर नामांकन पत्र सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच दाखिल किए जा रहे हैं। बहरहाल यूपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए इस बाबत यूपी निर्वाचन आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है। तो ये बड़ी खबर। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।